एंड कितना बड़ा है देखो, इसको बाइक पे कैसे लेके जा। असम में जो है पेट्रोल पंप के ऊपर मंडे से स्ट्राइक लगा दिया जाएगा। तो बड़े दिनों के बाद हमारे शांतनु भाई, तो टोकोबारी की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक्चुअली मेरे को वहाँ से लाना है 2-3 सामान, बिकॉज अपने वेबसाइट पर जो है वहाँ पे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी फिलहाल जो है स्टार्टिंग में मेरे साथ काम करने के लिए कोई है नहीं, मतलब मेरे को इतना अभी फिलहाल आइडियाज नहीं है कि कितना क्या ऑर्डर्स आने वाला है। तो ये जो मंथ जो होगा, इस मंथ मैं अकेले ही काम करने वाला हूँ अपने वेबसाइट पर। एंड नेक्स्ट मंथ से जो है अपने साथ मैं किसी को रखने वाला हूँ ये सब काम के लिए, बिकॉज अकेले हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज अपने लिए वीडियोज़ भी बनाना एंड उसके साथ भाई एडिट भी रहता है, एंड उसके साथ वेबसाइट का भी हैंडल करना पड़ता है, साथ में प्रोडक्ट्स का शिपिंग वगैरह भी रहता है। 15-20 दिन मैं खुद ही देखता हूँ कि कैसा क्या होता है, उसके बाद जाकर जो है मेरे को साथ में अपना टीम ही क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज इंडिविजुअली एक ई कॉमर्स वेबसाइट को हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ है, मेरे को एक टीम चाहिए होगा इसके लिए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस, वेबसाइट का जो रिस्पॉन्स जो है भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा आ रहा है, मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सीधा नहीं जाएंगे, रास्ता ख़राब है भाई, इधर से ही चलेंगे अच्छे से। तो ये देख के अच्छा लगा कि वेबसाइट का जो रेस्पॉन्स जो है आप लोगों के और आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एंड अगर आप लोगों ने मेरा अगर SBN मोटो पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। बिकॉज वहाँ पर जो है नए नए प्रोडक्ट्स का अपडेट देता रहता हूँ मैं, मतलब अभी तक तो बस स्टार्ट किया है। एंड अगर वेबसाइट को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो नीचे लिंक है, या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो www.sbnmoto.in। एंड इस वेबसाइट के अंदर जो है गाइस बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट्स आगे ऐड करने वाले हैं। फिलहाल तो अभी हेलमेट का सिर्फ 2 ही मॉडल मैंने उस पर ऐड किया, लेकिन अभी भी कम से कम 100 मॉडल्स उस पर ऐड करना है। मतलब हेलमेट्स का तो मॉडल जो है ना बहुत सारा है, एंड ऐसे एक्सेसरीज जो है और बहुत सारे एक्सेसरीज है जिनको मुझे ऐड करना है। फिलहाल तो मैं अभी आके पहुंच चुका हूँ छात्रीबाड़ी, एंड मेरे को जाना है टोकोबाड़ी। एंड टोकोबाड़ी से निकल कर मेरे को जाना है फैंसी बाजार, बिकॉज मेरे को प्रोडक्ट को जो है रैप करने के लिए बबल रैप चाहिए होगा। बबल रैप ये वाला स्क्रीन पे जो आ रहा है ये है बबल रैप, तो प्रोडक्ट को रैप करने के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। अरे भाई, ये सब भीड़ भाड़ के लेना ये सब साइकिल से बेस्ट रहता है, मतलब ऐसे भीड़ हो तो सीधा कंधे पे साइकिल को उठाओ एंड सीधा निकल जाओ। कल जिम में जो है लेग्स का एक्सरसाइज किया था, तो उसकी वजह से जो है लेग्स में इतना गंदा पेन हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब अच्छे से मैं कहीं पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। जिम का जो ट्रेनर है बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेन करवाता है, तो उसकी वजह से दर्द का लेवल जो है वो हाई चला गया पूरा। चलो मैं आके पहुँच चुका हूँ टोकोबाड़ी, चलो आज पार्किंग मिल गया यहाँ पर। ओके चलो, ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो लेना था वो हो चुका है यहाँ से डन, मतलब लेना हो चुका है कि हाँ SBN। फिलहाल मेरे को जाना पड़ेगा फैंसी बाजार, बिकॉज मेरे को लेना है बबल रैप, जैसे कि मोटो ब्लॉग करते हुए मैंने बताया था। बबल रैप मैं इतू सा लेके नहीं जा रहा हूँ, एक बंडल पैक ही मेरे को लेके जाना पड़ेगा। एंड मैं बाइक पे लेके नहीं जा सकता, स्कूटी होता तो अच्छा होता, तो मेरे को कोई दूसरा जो गाड़ी है उसके थ्रू मेरे को पहुँचाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, जाके देखते हैं क्या जुगाड़ हो सकता है। ये इंडिकेटर जलता रहता है मेरा, मेरे को जो है ये फटाक से पता नहीं चलता है, ये इशू रहता है एक। मेरे को वाला सायरन लगाना पड़ेगा, पैपू पैपू करके बचता रहता है ना। अरे 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 अंकल जी जाने दो। ये देखना, हाँ दूसरों को मैं बताऊंगा कि भैया आपका इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन मेरा खुद का ही जलता हुआ रहता है। हाँ ठीक है सदिया, और एक सब्सक्राइबर, प्यार देख रहे हो। एंड वेदर जो है वेदर काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। अरे भैया को तो मैं बता नहीं भूल गया, इंडिकेटर चल रहा है भैया, इंडिकेटर। ये देखो बस को कहाँ पे रोक दिया, और वो आगे वाला गाड़ी वाला भी अपना गाड़ी लेके भाग रहा है, पुलिस पीछे से सायरन बजा रहा है। ये देखो इनका भी इंडिकेटर जला हुआ है। भैया जी इंडिकेटर बंद किया कि नहीं? हाँ बंद किया। अभी इधर बूंदा बूंदी भी हो रहा है, मतलब बारिश
थोड़ा बहुत आ रहा है। एंड आप में से बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हो कि भैया डेली व्लॉग चाहिए, डेली व्लॉग चाहिए, लेकिन भैया मेरे से जो है डेली व्लॉग पॉसिबल होता है लेकिन कहीं ना कहीं काम पे ज़्यादा फोकस हो जाता है तो उसकी वजह से डेली व्लॉग नहीं हो पाता है। तो आई विल ट्राई कि डेली वीडियोस आए। यहाँ पर ही था क्या पार्किंग? ओके चलो यहाँ पर ये पार्किंग है। कहाँ पे करवाऊँ पार्क? चलो यहाँ पे कर देता हूँ। ऐसे पार्किंग में रखने पर हमेशा आरवीएम को बंद करके रखो ऐसे, नहीं तो कोई गाड़ी निकालने के टाइम पे आपका आरवीएम तोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे हैंडल लॉक करना मना है, हैंडल लॉक खोल के रखना पड़ता है। अरे भाई मेरा गाड़ी का नंबर ही मैं हमेशा भूल जाता हूँ। EG8891 पल्सर 220 EG8891। ये मैं तो फैंसी बाजार पहुंच चुका हूँ लेकिन अभी मेरे को शॉप ढूंढना है। मेरे को अभी ओके तो गाइस मैं गया था फैंसी बाजार लेकिन क्या हुआ वहाँ पर जो है मेरे को बबल रैप मिल चुका है लेकिन मैं उसको अभी ला नहीं सकता बिकॉज पहले मैं चलता हूँ ABC एंड वहाँ से रिटर्न आते टाइम वहाँ से जाके मैं ले लूँगा बिकॉज मेरे को अभी ABC भी जाना है एंड बबल रैप का बंडल इतना बड़ा है कि उसको मैं अपने साथ कैरी करके नहीं ले के जा सकता। ABC में क्यों जा रहा हूँ बिकॉज मेरा जो वेबसाइट का जो सारा सामान वगैरह बाहर बाहर जो कोरियर करना पड़ेगा उसके वजह से वहाँ पर एक कोरियर सर्विस है जिनका नाम है डेलिवरी। तो उन कोरियर सर्विस के साथ कल बात हुआ तो उन्होंने बोला कि ऑफिस तक आ जाओ, छोटा सा कोलैब है उनके साथ करके फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा बबल रैप लेने के लिए। ओह भाई इतना बड़ा गड्ढा मैं सीधा आके डाल ही देता इसके ऊपर से। दोपहर के टाइम पे थोड़ा बहुत रोड ये सब खाली मिलता है एंड डिघली पुखड़ी ये तो बहुत दिन से ऐसे ही बंद है। ये जगह ना हमेशा बहुत ठंडा रहता है बिकॉज दोनों साइड जो है पेड़ से ढका हुआ रहता है। एंड जो लोग गोब्रो यूज़ करते हैं क्या आप लोग ये एक प्रॉब्लम फेस करते हो कि रात को आप लोग 100% चार्ज करके रखते हो एंड मॉर्निंग को जब निकलते हो वीडियो बनाने के लिए तब देखते हो कि बैटरी हो चुका है 0 या 10% 20%। ऐसा क्यों होता है कि आपके जो गोप्रो में बैटरी लगा हुआ होता है वो भले ही आपका ऑफ हो लेकिन फिर भी बैटरी कंज्यूम करता रहता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है आप लोग पहले उसको फुल चार्ज करो एंड उसके बाद बैटरी को निकाल के रखो। यार गाइस आप लोग वीडियो पे जब कमेंट करते हो ना वो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है। मतलब मैं आप लोग जो कमेंट करते हो मैं कमेंट सारा पढ़ता हूँ, रिप्लाई कभी कभी सबका नहीं कर पाता हूँ लेकिन कमेंट्स में सारे का पढ़ता हूँ। तो कमेंट जरूर से करना, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो। चलो मैं उलुवाड़ी फ्लाईओवर आके पहुंच चुका हूँ, यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स ABC। ओके तो गाइज अभी जो है मेरा वहाँ पर काम हो चुका है डन। अभी जो है मैं फैंसी बाजार फिर से पहुँचने वाला हूँ। तो बहुत दिन से जो आप लोग बोल रहे थे कि शांतनु भाई किधर है, शांतनु भाई किधर है, चैनल पर दिखाई नहीं दे रहा है, बड़े दिनों के बाद हमारे शांतनु भाई बोला गाड़ी आगे पार्किंग करेगा। चलो साहिदा मार्केट टू तो दिल्ली गफर मार्केट टाइप लगे देखो दे। चलो भैया इसका काम तो हो चुका है ख़त्म, अभी मैं अपना काम के लिए निकलता हूँ यहाँ से एंड ये भी मेरे साथ ही जाएगा। फैंसी बाजार के अंदर ऐसे जगह पे आप पार्किंग मिलना मतलब ब्लेसिंग्स बोल सकते हो आप। तो गाइस बबल रैप जो है लेना हो चुका है एंड कितना बड़ा है देखो, इसको बाइक पे कैसे लेके जाऊँ तो उसकी वजह से एक उबर बुला है तो उबर के अंदर इसको डालेंगे एंड उसके बाद पीछे पीछे चलेंगे शांतनु उठाएंगे। हल्का है लेकिन साइज में बड़ा है बहुत। ओके तो उबर आ चुका है अभी इसके अंदर डालेंगे। एक मिनट बोला कि हम लोग बाइक लेके आ रहे हैं, ये बस सामान जाएगा, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। थैंक यू। अभी गाड़ी के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, भी आराम से सामान जा रहा है एंड हम लोग पीछे पीछे चलते जाएंगे। तो गाइस असम में जो है पेट्रोल पंप के ऊपर मंडे से स्ट्राइक लगा दिया जाएगा, पता नहीं कितने दिनों तक रहेगा ये स्ट्राइक, तो उसकी वजह से मेरे को आज इसको करना पड़ेगा फुल टैंक। आज ढेर सारा प्रोडक्ट ऐड किया जाएगा तो ज़रूर से जाके चेकआउट करो एंड प्राइस का जो मार्जिन है अदर ऑनलाइन वेबसाइट से हम लोग जितना हो सके हमसे जितना पॉसिबल हो पाता है हम लोग बहुत ज़्यादा कम रखते हैं एंड वेबसाइट पर सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलेगा तो जाके ज़रूर से एक बार विजिट करना।